जितनी अच्छी, आपके अच्छी जितनी अच्छी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ज्यादा आपका मेरिट्स क्योर करने के चांसेस होंगे। असलम माई नीम इज़ अरीबा इम्तियाज़ आई एम द फस्ट एम बी एस स्टूडेंट ऑफ क़ायदे अजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर आई गोट थाउजेंड एटी वन मार्क्स इन एफ एस सी एंड वन सेवेंटी फोर मार्क्स इन एन एम डी कट माई टोटल एग्रीगेट वाज नाइनटी टू पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने एम डी कैट जर्नी शेयर करूंगी जब मैंने पहली बार एम डी कैट दिया तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट सेलेक्टेड बट जब मैंने सेकंड अटैम्प्टी और अलहमद ला सेक्ट होगी अच्छा फर्स्ट टाइम में मुझसे ये मिस्टेक्स हुई थी कि एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस था मतलब मैंने प्रैक्टिस कम की थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और दूसरी ये मिस्टेक थी कि जब एम डी का पेपर देने गई थी जो मेरा डिसाइडिंग डे था उस दिन मैं अपने नर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाई थी जब नर्स पे कंट्रोल नहीं होता और हम कन्फ्यूजन में रहते हैं पता नहीं क्या होने वाला है तो फिर हम टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते तो मेरा टाइम भी मैनेज नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज के मैं कन्फ्यूज थी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी वहां माहौल ऐसा होता है, थोड़ी देर लगती है सेटल होने में लेकिन बंदा सही हो जाता है तो ना पे कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है पढ़ते सब मेहनत तो करते हैं क्योंकि उन्होंने पता है कि उन्होंने एमडी कैट देना जो कि एक बहुत कंपिटिटिव एग्जाम है सबसे बड़ी मुझसे ये मिस्टेक थी कि मैंने ना पे कंट्रोल नहीं किया था अब मैं आपसे अपने सेकंड अटैम्प्ट के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी जिन पे ग्रिप हासिल करके और जिनको अप्रोच करके मैंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया था एम डी कैट की तैयारी के लिए दो तरह की अप्रोचेज होती हैं एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि उनका अकेडमी जय बगैर गुजारा नहीं है वो अकेडमी जाएंगे तो उनकी प्रेप होगी वो एक शेड्यूल तरीके से चल सकते हैं अकेडमी के साथ लेकिन एक वो बच्चे होते हैं जो चा... कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी करेंगे अकेडमी जाने से हमारा टाइम वेस्ट होगा तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन हो उनके पास उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें सबसे टॉप पे है मेडिक्स प्रेप पॉइंट मैंने भी अपने एम डी कैट की तैयारी के लिए मेडिक्स पॉइंट को प्रेफर किया था और इसका बहुत बड़ा रोल है मेरे एडमिशन की होने में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने एमडी डी कैट की तैयारी के लिए मेडिक्स प्रेप पॉइंट को चूज़ किया था जिसके सबसे पहला एडवांटेज ये था कि मोटिवेशन सबसे पहले आपको हर पल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसके बाद थे इनके वेल ऑर्गेनाइज टेस्ट सेशन जिसको अवेल करके आप बहुत अच्छी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितनी अच्छी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी उतना ज़्यादा आपका मेरिट्स क्योर करने के चांसेज होंगे अगर आप मेडिक्स प्रेप पॉइंट का ऑनलाइन एमडी कैट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ मेडिक्स प्रेप पॉइंट की ऑफिशियल वेबसाइट भी है और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस सेशन में आपके लिए मोटिवेशन टेस्ट सेशन डिस्कशन और वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है मुझे मेडिक्स प्रेप पॉइंट के टेस्ट सेशन से बहुत ज्यादा फ़ायदा हुआ था इसका फ़ायदा इस तरह से हुआ था कि एक वेल ऑर्गेनाइज वे में शेड्यूल बना होता था उस शेड्यूल के मुताबिक मैं अपने सिलेबस को इजीली डिवाइड कर लेती थी और उसके बाद मैं उसके मुताबिक तैयारी करती थी जिस दिन जो टेस्ट होना होता था उसको अच्छे से प्रिपेयर करती थी फिर मेडिक्स प्रेप पॉइंट की वेबसाइट होती थी उसको अवेल करती थी टेस्ट सेशन को और उसके बाद वहां से प्रैक्टिस करती थी उसके बाद डिस्कशन होती थी प्रॉपर आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन गिवन होते थे तो वहां से मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई थी टेस्ट देने का ये फ़ायदा हुआ था मेडिक्स प्रेप पॉइंट में कि एम सी क्यू जिस तरह के होते थे मेरा होल चैप्टर ही रिवाइज़ हो जाता था जब मैं एम सी क्यूज़ अटैम्प्ट करती थी और अगर कोई मेरा एम सी क्यूज़ गलत होता था फिर जो रॉन्ग एम सी क्यूज़ होते ना उनको मैं मार्क कर लेती थी कि मेरे एम सी क्यूज़ गलत हुआ था फिर मैं उस पूरे टॉपिक को ही रिवाइज़ करती थी अगर मुझे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे होते थे तो मैं मेडिक्स प्रे पॉइंट की जो वीडियो लेक्चर्स हैं उधर से ही उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती थी और उसके बाद दोबारा से फिर मैं उस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ करके उसके फिर कहीं ना कहीं से एम सी क्यूज़ प्रैक्टिस करती थी इस तरह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और इसने मेरा मेरिट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया अगर आप लोग अपनी तैयारी के बारे में डेडिकेटेड हैं और वाकई कॉन्शियस हैं मेरिट सिक्योर करने के लिए तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये सेशन ज़रूर ज्वाइन करें ये था एक ब्रीफ सर इंट्रोडक्शन मेडिक्स प्रेप पॉइंट के बारे में जिसकी फुल डिटेल्स आप मेडिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू